जैसे हाथों पे महिलाओं के बाल हो गए, चेहरे पे हो गए, वो अनचाहे बालों को इससे लेजर से ट्रीट करते हैं। तो ये आपको देखिए, अब आप देखिए कैसे, और ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करता, बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं, पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आश्चर्यचकित कर देने वाला, खास करके महिलाओं के लिए। फिलहाल हम खड़े हैं गुड़गांव में, और गुरुग्राम में भाई ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर महिलाओं की सुंदरता के लिए जानी मानी, विश्व की जानी मानी डॉक्टर प्रगति शुभा उनके पास आए हैं। और बहुत बड़ा क्लिनिक है यहाँ पर, लेजर किरणों से, प्लास्टिक सर्जरी से, फेसियल से, ऐसे ऐसे टेक्निक जो विश्व की जानी मानी, बिल्कुल कई अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुभा जो हम उनसे बातें करवाओगे आपकी। और लेकिन आज जो आ रहे हैं, क्लिनिक का नाम है रिकॉन, और रिकॉन का शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में होता है वो होता है पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण करना। आपके चेहरे पे, आप 60 साल की हैं, 62 साल की हैं, चेहरे पे झाइयाँ हैं, आइए चलते रहें, चेहरे पे झाइयाँ हैं, कोई मुश है, कोई गांठ है, कोई किसी प्रकार का कट का निशान है, या आपके चेहरे पे इतनी झाइयाँ आ चुकी हैं कि आप उम्र से ज़्यादा दिखाई देते हैं, या फिर ये देखिए, ये है रिकॉन सेंटर फॉर फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी, ये लोगो है। और आपकी चेहरे की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए, आपकी नाक टेढ़ी मेढ़ी है, इससे ऊपर यानी गर्दन से ऊपर यदि आपको कोई भी समस्या है चेहरे में, नाक में, आँख में, कान में, होठों में, कहीं भी बाल हैं, शरीर के किसी भी हिस्से पे बाल हैं, तो लेजर किरणों के द्वारा बिल्कुल दोबारा से नहीं आएंगे आपको वो चीज़ें। ऐसे मतलब विश्व की जानी मानी सर्जन हैं वो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते हंसते आपका फेस ऐसा हो जाएगा जैसे एक युवा 18 साल की लड़की का होता है। और ये आपको मैं बाकायदा लाइव दिखाऊँगा, डॉक्टर सुभाजी से, प्रगति जी से आपकी बातें करवाऊंगा, हर वो चीज़ दिखाऊंगा, हर वो मशीन दिखाऊंगा जिन मशीनों से यहाँ पर उपचार किया जाता है, क्या टेक्निक अपनाते हैं, किस प्रकार ये सर्जरी करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते सोचते हैं ऑपरेशन होंगे, लेकिन पता भी नहीं चलता आप लोगों को, ऐसा कोई नाक टेढ़ी है जैसे, कोई कट का निशान है यहाँ से बैठी हुई है, आपकी सुंदरता के कारण शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं कोई चेहरे की सुंदरता में, तो आप बिल्कुल गुरुग्राम में, यहाँ पर गुड़गांव जिसको बोलते हैं हरियाणा में, दिल्ली के बिल्कुल पास आ सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको पता भी बता देता हूँ कि सेक्टर 28 और DLF फेस 1 थर्ड तीसरा जो माला है वहाँ पर, समसंग का जो शोरूम है उसके ऊपर रिकॉन क्लिनिक है, और बिल्कुल ये जो मेगा माल है, और इधर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, यदि दिल्ली से आते हैं आप तो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ से मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पर ये क्लिनिक है। आप फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके पूछ सकते हैं कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आपको चेहरे से लेके, तो उनकी हर समस्या का समाधान आपका चुटकियों में करेंगे, घर बैठे भी कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे चेहरे से संबंधित। मैडम से पूछेंगे हम कि घर बैठे आप कैसे ऐसे उपचार कर सकते हैं जिससे आपका चेहरे की सुंदरता बनी रहे। तो आइए मैं लिए चलता हूँ मैडम प्रगति सुभा के पास। डॉक्टर प्रगति सुभा जी, जो विश्व की जानी मानी प्लास्टिक सर्जन है, और ये जो जितने भी, ये दिखाइए एक बार कैमरामैन से, कहूँगा पूछिए, जितने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो टंगे हुए हैं, ये सभी अवार्ड्स हैं इनके, कुछ डिग्रियाँ हैं, कुछ डिप्लोमे हैं, कुछ इनकी मेहनत का जो फल मिलता है वो, और उन्हीं डॉक्टर प्रगति सुभा जी से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, उन सभी मशीनों को दिखाऊंगा जिनके द्वारा यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की सुंदरता के लिए कार्य किया जाता है। तो आइए मैं फिलहाल लिए चलता हूँ अंदर, और ये हमारी
जो पहला रूम है, और नमस्कार जी। नमस्ते। तो ये है हमारी प्रगति सुभा जी, और इन्हीं से हम पूछने जा रहे हैं हम कैसे कैसे किन किन मशीनों के द्वारा यहाँ से किया जाता है। ये देखिए भाई, ये है मशीन एक, और यहाँ पर कैसे किया जाता है। बहुत से उपकरण रखते हैं सामने, कंप्यूटर है इसमें जो भी चीज़ें हैं। एक ये ऑपरेशन थिएटर दिखाऊंगा इनको, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर। तो मैडम ये जो चल रही है मशीन, जो आवाज आ रही है, ये क्या काम करती है, कैसे? तो थोड़े शब्दों में बताइएगा जी। ये लेजर है, रिडक्शन है। जब बॉडी पे अनचाहे बाल होते हैं, तो जो हम बात कर रहे थे लेजर है रिडक्शन से, हम उन बालों को टारगेट कर सकते हैं जी। इसमें 6-8 सेशन लगते हैं यूजुअली फीमेल्स में, उससे बालों का जो क्वांटिटी है वो काम हो जाता है। तो जैसे इसी से ये होता है, अगर मैं आपको, हाँ शकुंतला यस जी, आइए हमारे पास नर्स खड़ी है। और यहाँ पर एक बात और है, सभी नर्सिस क्वालिफाइड होते हैं यहाँ पर, कोई भी ऐसे नहीं कि कोई 5,000 में 7,000 में रख लिया, क्योंकि विश्व की जानी मानी सर्जन है। यूँ नहीं, यहाँ पर उन MBBS MS डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कोई इराक से है, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं कि फेस चेहरे के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है मैडम। हाँ। जैसे ये एक मिनट दिखाएगी, जैसे कि मेरे तो हो चुका है लेजर, और जैसे ये दिखाएं एक बार, ये देखिए इधर से, ये देखिए ये अभी ये कंप्यूटर में है ऊपर। अब तो ये मेरे हाथों पर आपको थोड़ा सा करके दिखाएगी कि कैसे करते हैं। ये देखिए, तो पहले एक जेल लगता है, ये जेल होता है भाई, ये दिखाएं आप जेल, ये देखिए, ये लोग सब खुद अपने हाथ में कर रही है। दिखा रहा सीधा, ये देखिए, तो ये जो चल रहा है, ये जेल के ऊपर से ये जो किरणें जा रही हैं, तो जो सब ये 2 से 4 बार में मेरे ख्याल इनकी जड़ें जो जहाँ तक होती है, ऊपर आने की जो जगह होती है उनको बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपके बाल के एक्टिव फेज पे काम करता है। पहले सेशन के बाद ही आपको रिजल्ट आना शुरू होता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वही 6 से 8 सेशन लग जाते हैं। जी आइए, धन्यवाद आपका। आइए अगली रूम में लिए चलता हूँ मैं, जिसमें और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और हर मशीन का अपना अलग का ही होता है। पूरा हॉस्पिटल, पूरा क्लिनिक जो है आपको घुमा के दिखाऊंगा, बाद हर मशीन के बारे में आपको बताया जाएंगे। ये बहुत बड़ी मशीन है भाई, ये सारी की सारी सिस्टमेटिक ढंग से ये देगी मशीन, ये दिखाएंगे खोल के चला के दिखाएंगे आपको। और एक ये है, ये देखिए बड़ी बड़ी बड़ी, ये सभी रहा, ये देखिए जैसे आपका ये काला लाइन है। हाँ, अब इसमें अगर हम ये देखिए, ये मशीन है। अब ये इसको, ये जो काला है, ये जो काली लाइन है, ऐसे ही फेस और चेहरे पे होता है, ये लाइन बिल्कुल हट जाएगी। देखिए ये देखिए, ये जो लाल बिंदी पिकारी आई इस पर, तो ये देखिए ऐसे ही चेहरे पे जो काला धब्बा, काला तिल कुछ भी है। अब आप देखिए ये वाइट पर कुछ भी नहीं कर रहा, वाइट पर चल रहा है कुछ नहीं, और जब काले पे आएगा तो देखिए, ये देखिए स्पार्क होने लगा, ये देखिए, और ये काला धीरे धीरे लाइट, ये काला धीरे 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 लाइट हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आधे लाइन पे किया है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह ये पिगमेंटेशन को भी जी, ये आधा हल्का हो गया है। हाँ, और वाइट पे किसी, तो इसीलिए आपकी नॉर्मल स्किन को ये बर्न नहीं करता है। अच्छा। जहाँ भी पिगमेंटेशन होता है या जहाँ पे भी बाल होते हैं, इनफैक्ट ये बाल को भी ब्लीच कर देता है। अच्छा, ब्लीच हो जाता है। तो ये देखिए, ये दिखाया है, ये ऐसे ही आपके चेहरे पे जो भी धब्बा, दाग धब्बा, कोई फुंसी फोड़ा, कोई तिल वगैरह है, तो उसको ऐसे निकाल लेता है बाहर ही। तो मैडम ये इसका क्या प्रोसीजर, कितने दिन तक, कितनी बार करवाना पड़ता है? ये डिपेंड करता है आपको पिगमेंटेशन कितना है। बहुत से लोग हैं जो कि ये बिल्कुल केवल रेजुविनेशन मतलब मेंटेनेंस के लिए करते हैं, उनको ये 2-3 सेशन भी लगते हैं, बट जब बहुत टफ पिगमेंटेशन होता है तो 6-7 सेशन भी लग सकते हैं। जैसे पहले राख से हम बर्तन साफ करते हैं, ये देखिए चारकोल पैच है। अच्छा। है ना, मैं आपको इसलिए दिखाऊंगी कि हम पहले पेशेंट जिनको एक्ने या ऑयली स्किन है, चारकोल लगाते हैं जो कि उनके ऑयल से चिपक जाता है। भाई आप सोच रहे होगे कि कट कट करती है तो जलाती है चमड़ी को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता भी नहीं चलता। देख दोस्तों, ये देखिए, और आप देखेंगे कि जो उस एरिया का स्किन है वो भी थोड़ा सा भूरा होता है। ये देखिए,
और बिल्कुल भी दर्द नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल सफेद की है और कोई दर्द नहीं होता है। ये जो कालापन था ये सारा मिटता चला गया, ऐसे गोरापन आ जाता है। ये देखिए तो ये टैटू हो, पिगमेंटेशन हो, कोई भी काली चीज हो, पतले पतले मोल हो, उन पे भी ये काम करता है। तो ये देखिए भाई, चमत्कारिक रूप से बहुत चमत्कार सा होता है। और भाई इसके लिए कुछ भी नहीं, और आते ही एक दो बार में बिल्कुल खत्म। तो आइए मैडम हम एक और दिखाता हूँ मशीन, एक ये भी है जी। तो ये मशीन जो है ये एक्चुअली मोटापे के लिए है। अच्छा, ऐसा नहीं कि चर्बी, चर्बी, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि ये उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के 5-6 किलो कम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, या वेट स्टक हो गया है, तो इसको हम बॉडी कंटूरिंग कहते हैं। अच्छा, तो उन केसेस में जब आप ये करते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट आपको आता है। फैट को आपको इम्पैक्ट मशीन पे ही दिखेगा। अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं मशीन किस तरह से काम करती है। आप देख रहे हैं कि ऐसे ही मशीन से, ये मशीन के कुछ हैंड पीसेस हैं, पार्ट्स हैं। जब हम ये फेस पे या स्टमक पे या थाई पे करते हैं तो ऐसे चलता है, नीचे तक ही जाके फैट को बर्न करता है ताकि आपकी जो स्किन है ज्यादा टोन हो जाती है। तो जिम वगैरह जो जाते हैं वो ये अक्सर आते हैं हमसे करवाने के लिए, बॉडी टोन करने के लिए। कई बार क्या होता है, वेट लॉस होने होता है, रुक जाता है जी जी, और फिर वो आगे कम नहीं हो पाता, कितनी मेहनत करें। तो उसमें मशीन काम करती है, बिल्कुल काम करती है। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा रहे, पिज्जा पास्ता खाए जा रहे, तब ये मशीन काम नहीं करेगी। जो अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं उनके लिए ये ज्यादातर कारगर है। ज्यादातर क्लिनिक्स ये झूठ बोलते हैं कि इससे वजन कम होता है। इससे वजन कम नहीं होता है, बॉडी कंटूर होता है, मतलब शेप में आती है। जब आप यानी कि जो वजन कम करना चाहता है जी, और जो फास्ट फूड वगैरह छोड़ के या फिर कुछ थोड़ा बहुत टहलना चाहता है, सुबह शाम व्यायाम करता है, तो वो आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली लोअर फैट जिनका नहीं जाता, लोअर बेली नहीं जाती है, चेहरे पे भी इनफैक्ट गर्दन यहाँ लटक जाती है, ऐसे हो जाती है, उसमें भी ये डेफिनेटली हेल्प करता है जी। तो ये मशीन जो है इसकी कितने दिन में, मतलब कितना वजन कम कर देती है? देखिए, एक तो सर्जरी होती है जो एक बार में कम कर देती है, जिसे हम लाइपोसक्शन कहते हैं, वो भी हम करते हैं। लेकिन जो पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहें, ये आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ता है। जितने दिन जैसे जिम जाना हुआ ना, वैसे ये है। इनिशियली ज्यादा सेशंस लगते हैं ताकि आप ज्यादा शेप में आए, फिर आप मेंटेनेंस पे आते। तो उसे पहले पहले हम ये दो दो हफ्ते में एक एक बार करते हैं, पहले 7-8 सेशन, उसके बाद आप महीने में एक बार कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस जरूरी होता है। थैंक यू जी। आइए और दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए एक और रूम में आए हम, और डॉक्टर प्रकृति जी खड़ी हमें बताएंगे कि ये जो मशीन है ये क्या काम आती है, और किस किस तकलीफ में या चेहरे की किसी सुंदरता के लिए या फिर कोई सर्जरी के लिए काम आती है, किसके काम? ये एक्चुअली हमारा हीरो मशीन है। हीरो? यस। अच्छा। ये हमारा हाइड्रा फेशियल मशीन है। अच्छा। मैं आपके व्यूअर्स को भी इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगी कि चाइनीज कोरियन बहुत ही सस्ती मशीन मार्केट में, जो ओरिजिनल नहीं है। ये ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल मशीन है जिसपे की ये हाइड्रा फेशियल है। अब ये मशीन इसीलिए हीरो है कि ये हर किसी के स्किन टाइप पे काम करती है। ये एक अपस्केल या एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फेशियल है। इसमें आपकी स्किन की सफाई भी होती है, मॉइस्चराइजेशन भी होता है, साथ ही साथ हम LED लाइट्स देते हैं और कुछ बूस्टर सीरम्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो हम ब्राइटनॉल नाम का सीरम देते हैं जिससे कि स्किन ब्राइट होती है। फिर इसमें एक आता है डर्मा बिल्डर। डर्मा बिल्डर का मतलब है आपके फेस को बिल्ड करना, तो जो मजबूत बनाना, उसमें ये काम करता है। इनफैक्ट जिन लोगों को ज्यादा सैगिंग होती है, ज्यादा सैगिंग के लिए हमारे पास एक लिम्फैटिक ड्रेनेज रहता है। ये एक लिम्फैटिक ड्रेनेज है। तो लिम्फैटिक से जब हम करते हैं तो ये जो नीचे वाला जो सैगिंग ये वाला एरिया है, इससे हम तो उससे हम लिम्फ को ड्रेन कर सकते हैं, जो लटकता है, जो एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन की वजह से, उससे ये ठीक हो जाता है। और इसका जो मेन हैंड पीस होता है वो ये होता है। अगर आप देखें तो इसमें ऐसे सर्कुलर सा होता है, एक ट्यूब से आपके जो भी गंदगी है स्किन की वो बाहर निकलती है, और एक ट्यूब से वो अच्छी चीजों को आपकी स्किन के अंदर डालते हैं। तो ड्यूअल एक्शन एक साथ होता है, जो केवल ओरिजिनल हाइड्रोफेशियल मशीन। यानी कि गंद बाहर निकाल के उसके अंदर टॉनिक डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा,
तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक मशीन है भाई। देखिए इसके अंदर ये रखे है ना, शायद इनके अंदर वही चीजें होंगी। जी बिल्कुल, और यही इसका मास्टर है। अच्छा, मेरा मतलब है ये मशीन यूएस से बन के आती है। हाँ। और ये प्रोडक्ट्स भी यूएस बेस्ड होते हैं। अच्छा। और वो जो चाइनीज कोरियन मशीन होते हैं उसमें लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो रिजल्ट ही आपको नहीं आ पाता है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट जो लगे हुए हैं ये भी यूएस से आते हैं? बिल्कुल, ये सारे अमेरिका से आते हैं। इसमें हमारा कुछ भी खुद से नहीं डलता, कंपनी वाले बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगेन कोई भी ले सकता है, कोई भी, बूढ़ा जवान लड़का लड़की हर कोई ले सकता है। चाहे आपको पिगमेंटेशन हो या ना, स्किन हो, कुछ भी हो, आप इसको, यानी कोई तकलीफ है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम स्किन को हेल्दी बनाना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, और आप जितना इसको लेते हैं स्किन उतनी अच्छी मेंटेन रहती है। इनफैक्ट जब भी शादियां आती हैं, फेस्टिवल सीजन आता है, तो ये बहुत पॉपुलर होता है। मतलब दिन भर में कम से कम 8-10 तो आप तो मेरे ख्याल हर रोज लेती हूँ, क्योंकि देखिए जो मैडम प्रगति जी हैं इनकी उम्र कितनी लगती है कमेंट में बताएं मेरे को लगती है इनकी 18 से 20 साल, और फिर मैडम प्रगति जी बताएंगे आपको कि इनकी उम्र कितनी है। क्योंकि देखिए इनके जो फेस से लग रहा है, चेहरे से लग रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये इन मशीनों का कमाल है। और देखिएगा आप, और फिर मैडम प्रगति जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आप लिखिए कितनी उम्र आप लिखते हैं, और हर उसका उत्तर हम देंगे आपको, हर कमेंट का उत्तर देंगे। कैसी लगी मशीनें, ये और मशीनें हैं। और फिलहाल ले चलता हूं उस बड़े से ओटी में, जिसको ऑपरेशन थिएटर, अभी हम फिलहाल घुस रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में मैडम प्रगति जी के साथ। और ये जो इनके जो उपकरण होते हैं, जो नियम कानून होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, हम बाहर से कोई भी कीटाणु वगैरह लेके नहीं जा सकते, अपने जूते लेके नहीं जा सकते, तो उनका पालन हम कर रहे हैं फिलहाल। आज भाई एड की जगह हेलमेट लगा लिया हमने। नहीं, भाई पूरा श्रृंगार करवाओ है मेरा जी। ये देखिए भाई, बहुत ही गजब का, बहुत ही आधुनिक मशीनों से सुसज्जित, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ऑपरेशन थिएटर पूरा दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये जो मशीनें, आधुनिक मशीनें, ये ऊपर लगी हुई लाइट्स विदेशों से आती हैं, ये लाइटें, ये जो ऑपरेशन होता है उस समय, सर्जरी के समय लाइटें जलती हैं। और ये जो इधर रखी हैं मशीनें, ये देखिए अभी लाइटें ये ऑन कर दी है लाइटें, और ये नीचे देखिए ऐसे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जहाँ पर इनको सर्जरी करनी होती है वहीं पर लाइट आती है इसकी। ये देखिए, ये तो बहुत आधुनिक चीज़ें हैं। और ये देखिए, सभी मशीनें आधुनिक मशीनें लगी हुई सारी की सारी, और जो भी अन्य हम पूछेंगे। तो मैडम इस थिएटर में तो कोई भी सर्जरी की जा सकती है, इतना बड़ा हमने अनेक हॉस्पिटलों में देखे, लेकिन ये जी आधुनिक मशीनें यहाँ पर लगी हुई ऐसी हमने नहीं देखा किसी और थिएटर में, तो उधर भी मशीनें रखी हैं। तो यहाँ पर करते हैं आप प्लास्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, या फिर कोई जो ये एक्चुअली हमारा माइनर रूटीन है, यहाँ हम छोटे प्रोसीजर्स करते हैं, इससे भी बड़ा और है जी। तो हम बड़ी सर्जरी दूसरी जगह, हमारा जो नर्सिंग होम है वहाँ करते हैं। अच्छा, अच्छा। और यहाँ हम छोटे प्रोसीजर्स, जैसे कि जैसे कान लोगों के कट जाते हैं, या जो मैंने आपको बताया सुन करके जो निशान वगैरह लगते हैं उनको अगर हमें करेक्ट करना, वो करते हैं हम। यहाँ पर CO2 लेजर भी करते हैं, जैसे तिल या मस्तिष्क, ये सब बहुत ही एक एडवांस लेजर है, जिससे कि आप ये एक तरह से जला देता है आपके तिल मस्से या जो स्किन के टैग्स होते हैं जो गले में बनते हैं उसके लिए रहता है। और जो आपसे बात की थी कि बाल झड़ते हैं, तो जो PRP करते हैं, तो वो मशीन एक्चुअली PRP बनाने के लिए ही है, तो PRP भी हम यही करते हैं जी। और बाकी क्लिनिक्स की तरह हमारे पास नॉन मेडिकल स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया, वो नहीं है हमारे पास। ओटो टेक्नीशियन है जो कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, हाँ, तो PRP वगैरह यही करते हैं, लेजर में भी मदद और जो प्रोसीजर है यही मदद करते जी। तो देखिए अकेला डॉक्टर जो होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, जब तक बढ़िया स्टाफ बढ़िया सहयोगी उनके साथ नहीं हो। और इन जैसे 10 साल के, इनको नाम क्या है भाई साहब? अच्छा, तो यहाँ इस ये टेक्निकी मशीनें चलाने का जो है आपने कोर्स कर रखा है जी? अच्छा, अभी सभी हैंडल आप ही करते हैं इनको?
तो आपने एक बात बोलो, थोड़ा आगे आए आप, मैं यहाँ जो सर्जरी वगैरह करती है, मेरे धीरे से कान में बताना मैडम को, ने सुने तो वास्तव में ऐसी सुंदर हो जाती है जी सर, वास्तव में सच्चे बात में जी सर। तो एक ये जो रैनो प्लास्टिक सर्जरी होती है नाक की, जिसको बोलते हैं वो गेंडे वाली, तो ये जो होती है इसका मतलब करने से क्या चेहरे की बनावट में या कुछ तरीके कोई वो नहीं बदलाव नहीं आता? नहीं, चेहरे में कोई बदलाव नहीं। अच्छा, ये नाक अच्छी हो जाती है उससे चेहरा फिर अच्छा है। जैसे तीखी करवानी हो तीखी करवा रहे, ऊंची करवानी हो तो ऊंची, नीची करवानी हो तो नीचे, अच्छी हो जाती है चेहरे में, चेंजिंग नहीं आती चेहरे में। आप तो हर रोज करते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं आप जी? जी सर। तो लोग ये देख के अपने आप को आईने में देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या हुआ ऐसा तो बोलते हैं कुछ? हाँ बोलते हैं, अच्छा हो गया चेहरा, राइनोप्लास्टी से चेहरा खिल जाता है। अच्छा, बिल्कुल चमक आ जाती है, चमक आ जाती है, सारी चमड़ी में खिंचाव आ जाता है। जी सर, ऐसा ही है क्या? कुछ पेशेंट रोने लगते हैं अपनी नाक को देख के। बहुत से पेशेंट हैं जो जिनकी नाक पहले से खराब या टेढ़ी होती है, कई बार ऐसा हुआ है कि जो उनको उनकी नई नाक दिखाते हैं वो ऑलमोस्ट रोने लगते हैं। जहाँ हम सर्जरी की कोई फीस नहीं लेते हैं, केवल जो अस्पताल का खर्चा होता है पेशेंट को वो देना पड़ता है, हम अपने एंड से कोई, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट है जो यही गुड़गांव में लगाते हैं या बाहर भी लगाते हैं? गुड़गांव में। तो उसकी जो डेट होगी तो तारीख होगी कोई, जैसे आगे लगाने जा रहे हैं कैमरे दर्शकों को ऐसी सूचना देंगे? बिल्कुल, अगर अभी हमारा कैंप जनवरी में होगा तो उसकी सूचना मैं आपको पहले भी दे दूंगी ताकि आप अपने व्यूअर्स को बता पाए। जी थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई देखते हैं लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। यदि आपको कोई भी समस्या है चेहरे से, और चेहरे की हो, नाक की हो, कान की हो, आंख की हो, मस्तक की हो, ठुड्डी की हो, ओठों की हो, किसी भी प्रकार की टेढ़े मेढ़े कट जो भी, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए एक बार याद रखें रिकॉन क्लिनिक कहें, मैं हॉस्पिटल याद आ जाता है कहना का, लेकिन ये क्लिनिक कहें, और गुरुग्राम में है, फेस वन डीएलएफ का फेस वन सेक्टर 28, और सैमसंग का जो शोरूम है ठीक इसके ऊपर तीसरे माले के ऊपर है, और इधर कौन सा मेट्रो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर है, और इधर मेगा मॉल है जो गुरुगांव का मशहूर है, बहुत बड़ा मॉल है, उसी के बिल्कुल पास है। तो आप संडे को छोड़ के, संडे को छुट्टी होती है? नहीं, हमारी ट्यूसडे मंगलवार को छुट्टी होती है, संडे को मंगलवार को छुट्टी होती है। फोन करके आए आप, अपॉइंटमेंट लेके आए, ऐसे कोई भी भागा दौड़ करके ना आए, अपॉइंटमेंट लें, फोन करें, पूछे आपको क्या समस्या है, किस समस्या के लिए आप आ रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। मंगलवार को छोड़ के किसी भी दिन आए, फोन सिर्फ सुबह 10 बजे से, 10 बजे ठीक है कि 10 से 6 बजे तक ही करें, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली फरीदाबाद ये रात को 12 बजे सोते हैं और 11 बजे उठते हैं दिन के, तो इसलिए 10 बजे से पहले कोई कॉल ना करें, और शाम को 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो इसलिए 10 से 6 तक। देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर करते हैं ताकि कोई भी, किसी भी आपके परिवार में, किसी रिश्तेदार में ऐसी कोई समस्या हो तो अपनी समस्या का समाधान करवा सके, और आपका भी धन्यवाद कर सके, और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद कर सके। जय हिंद, नमस्कार, नमस्कार।